और अगली बड़ी खबर आपको लखनऊ से बताते हैं। एक और बड़ी खबर लखनऊ से, जहां पर प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन पेंशन योजना का शुभारंभ। राज्यपाल राम नाईक ने पेंशन योजना का शुभारंभ किया और कार्यक्रम में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी मौजूद रहे और गरीबों के जीवन में सूर्योदय हो रहा है, राम नाईक ने कहा। और पीएम मोदी ने गरीबों के लिए कदम उठाए हैं, किसान मजदूर के लिए मानधन योजना। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें लखनऊ से, जहां पर राज्यपाल राम नाईक ने पेंशन योजना का शुभारंभ किया। पीएम मोदी ने गरीबों के लिए कदम उठाए हैं, केशव की ओर से ये बात कही गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, केशव प्रसाद मौर्य ने ये बात कही है और गरीबों के जीवन में सूर्योदय। आपकी तालियां इनका उत्साह बढ़ाएंगी। इस देश से माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भ्रष्टाचार का खात्मा करने के लिए, गरीबों का जीवन भी खुशहाल हो, इस दृष्टि से चाहे मैं प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना से लेकर के आयुष्मान भारत से लेकर के प्रधानमंत्री आवास योजना से लेकर के सौभाग्य योजना से लेकर के और गरीबों के घर में भी इज्जत घर बनवाने से लेकर के योजनाओं का अंबार है, उसकी चर्चा करूंगा, बहुत देर लगेगी। अगर इतना बड़ा फैसला उन्होंने आप आतंकवाद के खिलाफ जंग छेड़ी है, गरीबी के खिलाफ जंग छेड़ी है, भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए, बेरोजगारी को मिटाने के लिए उन्होंने जंग शुरू की है, तो इससे परेशानी क्यों होती है हमारे विपक्षी मित्रों को, मैं समझ नहीं पाता। तमाम मुद्दे हैं, आप और भी विषय उठा सकते हो, लेकिन जब राष्ट्र के उत्थान के, राष्ट्र के कल्याण की दृष्टि से इतना बड़ा फैसला, 23 करोड़ से अधिक की संख्या, मतलब 18 से 40 वर्ष के श्रमिकों की एक 25 करोड़ की संख्या लगभग, या अभी आंकड़े जो आए हैं, ऐसे हमारे असंगठित क्षेत्र के कामगारों की है। अब 25 करोड़ लोगों को इस योजना से बहुत सरलता के साथ जोड़ने का जो फैसला लिया गया है, प्रदेश के भी हमारे, जैसा कि बताया है माननीय श्रम मंत्री जी ने, कि लगभग 5 करोड़ लोग, जिस प्रकार से आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत देश में 50 करोड़ से अधिक लोगों को लाभ, 5 लाख रुपए तक का इलाज एक वर्ष में ऐसे गरीब परिवार निःशुल्क करा सके, यह व्यवस्था शुरू हुई है, उसी प्रकार से ऐसे गरीब हमारे असंगठित क्षेत्र के जो श्रमिक है, जिनके पसीने के बल पर यह लोक भवन भव्य जरूर बना है, लेकिन ऐसे ही श्रमिकों का योगदान है, इसके कारण से लोक भवन इसके अंदर बैठ कर चर्चा कर रहे हैं। मैं कितना समय बोलूं, ये मेरे पास एक सवाल है, क्योंकि 11 बजे प्रधानमंत्री जी का भाषण शुरू होगा, वह सुनने, देखने के लिए और सुनने के लिए मैं भी बड़ा आतुर हूं, और आप भी, मैं जानता हूं कि जब तक उनका भाषण यहाँ शुरू नहीं होता है और एक दफे शुरू हो गया तो यहाँ जाने का दिल ही नहीं होता है। कितना समय रह गया, कितना मिनट, अभी 3 मिनट है ऐसा वह बोलते हैं, तो 3 मिनट में, 1 मिनट मैं इस बात के लिए देना चाहता हूं कि अपने जो मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ जी, ये बात मौर्य जी ने बताया कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने जो अंत्योदय की कल्पना की थी, तो अंत्योदय की कल्पना के आधार पर यह योजना बनाई है, लेकिन अंत्योदय कल्पना में अंतिम पायदान पर जो खड़ा है। घंटी का बटन दबाइए और हिंदी खबर से जुड़ जाइए।